सोच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री मोदी भारत में 1 अक्टूबर को करेंगे 5G सेवाओं का शुभारंभ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा ये सिर्फ भाई बहन की पार्टी। अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस नेता खड़गे ने नामांकन दाखिल किया, जीते इस नेताओं का भी मिला साथ। कार्यभार संभालने के बाद सीडीएस अनिल चौहान ने रक्षा मंत्री से की मुलाकात, का देश की अपेक्षाओं को पूरा करने की है कोशिश। गुवाहाटी पहुंचने पर खिलाड़ियों का हुआ भव्य स्वागत, बीसीसीआई ने साझा किया वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां डिप्टी सीएम गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद जिले में सरकार की चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यो की प्रगति का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। साथ ही उप मुख्यमंत्री भाजपा जिला कार्यालय में जन प्रतिनिधियों और भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कुशीनगर में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने विकास योजनाओं की समीक्षा की, साथ ही हेल्थ वेलनेस सेंटर में कंप्यूटर न होने से सीएमओ को फटकार भी लगाई। वहीं हेल्थ वेलनेस सेंटर को व्यवस्थित रूप से शुरू करने का भी निर्देश दिया, जिसके बाद गांव में हर घर जल न पहुंचने से नाराजगी जताई और जल निगम के एक्सीन को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने हेल्थ एटीएम का उद्घाटन किया। जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं वो जनपद कुशीनगर में जन जन तक पहुंचे, कानून व्यवस्था चाक चौबंद रहे, सभी विभागों की बिंदुवार समीक्षा की गई है। डेवलपमेंट के जितने भी मामले हैं, 10 करोड़ से ऊपर की जितनी परियोजनाएं हैं उनको तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। जल जीवन मिशन में विशेष रूप से ध्यान देने के लिए कहा गया है कि जो भी योजनाएँ तय समय सीमा में पूरी हों, किसी भी हालत में हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। घर घर नल से जल योजना तय समय सीमा में हमें पूरी करनी है। बलिया में नगरा थाना क्षेत्र के डीहवा गांव में धान के खेत में ग्रामीणों को शव मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया। उधर सूचना मिलते ही नगरा थाना अध्यक्ष सीओ अपर पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गए, जिसके बाद से पुलिस जांच में जुट गई है। बता दें कि बलिया में नगरा थाना क्षेत्र के डीहवा गांव में धान के खेत में ग्रामीणों को शव मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया। उधर सूचना मिलते ही नगरा थाना अध्यक्ष सीओ अपर पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गए, जिसके बाद से पुलिस जांच में ही जुट गई है। बलिया में नगरा थाना क्षेत्र के डीहवा गांव में धान के खेत में ग्रामीणों को शव मिला है पूरे गांव में, जिसके बाद हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही नगर थाना अध्यक्ष सीओ अपर पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश, थाना क्षेत्र के डीहवा गांव में धान के खेत में ग्रामीणों को एक शव मिला है, अज्ञात शव मिला है, इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? और नंदनी जी, आपको बता दे, सौ की पहचान एक शिवम यादव नाम के 17 वर्षीय शख्स से हुआ है, जो कि रामलीला देखने अपने ही गांव में जो गुरुवार की रात चल रहा था उसी देखने गया। रात में ही वो हत्या की आशंका जताई जा रही है, जिसमें पुलिस अधीक्षक का भी बयान है कि हत्या की आशंका, जिसके गले पे चोट का निशान है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अखिलेश।
गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र में मेरठ मार्ग पर स्थित आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज के बीटेक छात्र की पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं वायरल वीडियो में छात्र को दो युवक बड़ी बेरहमी से पीट रहे हैं। छात्र उनसे छोड़ने की मिन्नतें करता है, लेकिन आरोपी उसे बिना रहम के लगातार पीटते रहते हैं। बता दें कि छात्र को पीटने वाले दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकियों की तलाश की जा रही है। थाना मुरादनगर क्षेत्र के अंतर्गत एक घटना हुई थी, जिसमें एक कॉलेज के स्टूडेंट को कुछ लड़के मारपीट रहे थे और उसका वीडियो वायरल हुआ था। उस संदर्भ में अवगत कराना है कि जैसे ही प्रकरण संज्ञान में आया था, इसमें तत्काल टीमें गठित करके वीडियो को वेरीफाई करते हुए कि कहाँ का है उसको वेरीफाई करते हुए इसमें लड़के हमने चिन्हित किए, फिर उन लड़कों को तत्काल इसमें गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई। आरडी कॉलेज के किसी प्रबंधक ने या किसी ने कोई बात की जो मास्टर था, उन्होंने कहे कि 8 दिन के लिए स्कूल मत आओ, कि 8 दिन स्कूल नहीं गया। 8 दिन के बाद जैसे स्कूल गया तो जो आपराधिक किस्म के लोग थे वो उसे बाहर मिले, बाहर मिल के इसकी लाठ डंडों से पिटाई करी और इतनी पिटाई करी, एक वीडियो बनाई, वीडियो बना के साजिश के तहत उस वीडियो वायरल करी गई। इसके परिवार को और इसे अपनी जान से मारने की धमकी वो लोग दे रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज के यमुना नगर जासरा में आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर जय श्री महाकाल फाउंडेशन 2022 मीटर की विशाल तिरंगा यात्रा निकालेगा। वहीं यूथ क्लब के अध्यक्ष एडवोकेट अरविंद दुबे ने बताया कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य देश के युवाओं को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित करना है। देश की अस्मिता, देश का सम्मान, देश में सद्भावना की भावना को जागृत करने के लिए यह यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है। यह यात्रा पूरे देश को हमको माने संदेश देना है, पूरे विश्व को संदेश देना है कि महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर यह 22 मीटर की जो यात्रा निकाली गई है, पूरे देश को दिखलाने के लिए कि हम सब एक हैं, एकजुट हैं और हम एक सशक्त भारत का नेतृत्व करते हैं और उसके लिए हम सब भागीदारी के साथ भाग ले रहे हैं। यह मेरा उद्देश्य है, मेरा सपना आज होना। यूपी के हमीरपुर जिले में हुए सामूहिक हत्याकांड में भाजपा के पूर्व विधायक अशोक सिंह चंदेल आगरा के जेल में सजा काट रहे हैं, जिसको हमीरपुर कोर्ट में एक मामले में पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया जाएगा। इस दौरान अशोक सिंह चंदेल के समर्थकों का कोर्ट परिसर में हुजूम उमड़ा पड़ा, जिन्हें पुलिस खदेड़ती रही, जिसके बावजूद इसके भी पुलिस के सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। सिद्धार्थनगर में नवरात्रि के अवसर पर श्री दुर्गा प्रतिमा के बड़े बड़े पंडाल जगह जगह पर लगे हुए हैं, जहां लोग सच्ची श्रद्धा भक्ति से मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं समस्त ग्रामवासियों ने बताया कि साथ ही भारतवर्ष के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की लला का भी बड़े भव्य तरीके से आयोजन किया जाता है। रामलीला का आयोजन इसलिए किया जाता है, वर्ष में एक दिन आता है, जैसा कि हमारे महापुराणों में रामायण में स्वामी तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण की जो रचयिता है उन्होंने इसका सारा वर्णन किया, क्योंकि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा और इस लीला से पूरे जन जन को एक ऐसी सीख मिलती है कि जो उनके जीवन को सफल बनाता है। नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में प्राधिकरण अफसरों को अंदर न जाने देने को लेकर लोगों ने सोसाइटी का गेट बंद कर दिया। बता दें कि प्राधिकरण ने अतिक्रमण हटाने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जो कि पूरे हो चुके हैं, जिसके बाद नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी बुलडोजर लेकर गेट पर पहुंच गए और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। खबर सुल्तानपुर से है, जहां के कुशन भवनपुर की धरा पर नगर की ऐतिहासिक रामलीला बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। वहीं रामलीला के 7वें दिन के अवसर पर अयोध्या से आए कलाकारों ने फुलवारी लीला और धनुष यज्ञ का मंचन किया। इस दौरान रामलीला मैदान में सैकड़ों की संख्या में दर्शकों की भारी भीड़ दिखाई पड़ी। वहीं रामलीला के चलते लोगों में उत्साह दिखाई दिया। पंचरस्ते पर लगभग सैकड़ों सालों से शहर के कुछ गणमान्य व्यक्तियों के सौजन्य से यहां का शुभारंभ किया गया, जिसमें बाबू गणपत सहाय और मेहता जी, श्री रामनिवास अग्रवाल,
पंडित जमुना प्रसाद मिश्र, श्री मुन्ना लाल जायसवाल आदि वरिष्ठ ट्रस्टियों एवं सहयोगियों के द्वारा यहां रामलीला ट्रस्ट समिति द्वारा प्रतिवर्ष 15 दिवस संत तुलसीदास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामलीला मैदान में 15 दिवस ये आयोजित किया। गाजियाबाद के नंदग्राम थाना इलाके में पिता ने अपनी पत्नी और बेटी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे। मौके से दो कटी हुई लाशें अलग अलग जगहों से बरामद हुई। आपको बता दें कि महिला का अपने पति के साथ झगड़ा चल रहा था। पति पत्नी के बीच कल पानी को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद पति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी और बेटी की फावड़ा मारकर हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने मौके से आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्यवाही जारी है। क्या घटना हुई है? घटना मुझे भी नहीं पता लगी, मेरे पे अज्ञात फोन आया था। अच्छा, ये जो मरने वाले हैं कौन लगते हैं? ये मेरी सिस्टर है, सगी। सिस्टर और भांजी। सिस्टर और भांजी। क्या क्या उम्र है इनकी, क्या क्या नाम है? सिस्टर का नाम रेखा है और उसका नाम ताशु है। लड़की का उम्र इसकी होगी, लड़की की 16-17 साल। सिस्टर का मैं अंदाजा नहीं लगा सकता, क्योंकि हाँ जो भी होगी, जब इनकी शादी हुई थी मैं भी बहुत 7-8 साल का था। पुलिस को सूचना मिली है लगभग 12:30 के बीच में, एक घर के अंदर दो लाश मिली है और उसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर आया। SHO और CO और ADCS पे हम सभी मौके पर आए। हम लोग पूरा जांच किया है, जांच के बाद ये निकल के आई है, ये जो औरत है उसको उम्र लगभग 35 साल के आसपास होगी और एक लड़की है उसका 14 साल के आसपास होगी और दोनों का लाश दिखाई पड़ी वहाँ पे। उसका जो पावड़ा से मारा लग रहा है वहाँ पे ऊपर दिखाई पड़ा उसका शरीर वगैरह देखने में, और बाद में अभी पता चला है उसका हत्या जो महिला का पति ने किया, दोनों लोग का, और उसका पति भी पुलिस हिरासत में ले लिया। वाराणसी में नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता के रूप का दर्शन का विधान है। माँ स्कंद माता बागेश्वरी देवी के रूप में विद्यमान है। यहाँ माँ स्कंद माता का बागेश्वरी रूपी भव्य मंदिर अति प्राचीन है। रात्रि से ही यहाँ माँ के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी पड़ती है। माँ स्कंद माता रूपी बागेश्वरी को विद्या देवी भी माना जाता है, इसलिए यहाँ छात्र भक्तों की काफी भीड़ रहती है। यहाँ माँ को नारियल चढ़ाने का विशेष महत्व है। माँ को चुनरी के साथ लाल अड़हुल का फूल भी व माला व मिष्ठान का भोग लगाया जाता है, जिससे माँ अपने भक्तों को सद्बुद्धि व विद्या के अनुरूप वरदान देती हैं। इस दिन माँ स्कंद माता का दर्शन है। इनकी विशेषता ये है कि इन्हें महिषासुर का तप किया था, उसमें माँ इस कार्तिकों को जन्म हुआ था, कार्तिकेय जी के नाम पे ही इनका नाम स्कंद कुमार रखा गया, स्कंद माता नाम पड़ा। इनको पीली चीज़ जैसे केला हुआ, नारियल, चुनरी, पीली चीज़ बहुत प्रिय, कमल का फूल सबसे प्रिय है माता को। अयोध्या में बीकापुर शिक्षा क्षेत्र के परिषदीय प्राथमिक विद्यालय पांडे का पूर्वा में परिषदीय स्कूल के बच्चों को मध्याह्न भोजन में सादा चावल और नमक दिया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि मध्याह्न भोजन में बच्चों को सादा चावल और नमक दिया गया। गाँव के पास विद्यालय होने के कारण कई बच्चे भोजन लेकर घर चले आते हैं और भोजन करके फिर वापस विद्यालय चले जाते हैं। नमक चावल होने से जब कई बच्चों द्वारा घर पर अभिभावकों से बताया गया और भोजन करने से इनकार कर दिया गया तो परिजनों ने आक्रोश जताया। वहीं मिड डे मील मामले में DM ने संज्ञान लिया और प्रधानाध्यापिका को सस्पेंड करने का निर्देश बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है। आती हैं ऐसा लोग बता रहे हैं, ये गलत बात है, जो ऐसा बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। अच्छा, तो ये ऐसा कैसे कि मतलब सारा सामान है ही नहीं है यहाँ पे चावल और आटे के अलावा, तो वो बनाएगी क्या फिर बच्चों के लिए? नहीं सर, कौन से आए कि नहीं है, होगा जरूर, हमें बताया जब बताती है, वो जो सामान खत्म होता है मैं फ़ोन करके बताती हूँ सामान आता है। नहीं, वो बता रही हूँ कि चावल और उसके अलावा कुछ था ही नहीं, तो नमक दिया गया मजबूरी, जो खाना बनाती है आपके यहाँ ऐसा बोल रही है, नमक दिया गया इसीलिए, तो हमें किसी ने नहीं बताया कि यार कुछ नहीं है। सर जी, अब तो हम रहे ना यहाँ, लेकिन जौन बना बच्चे खाएं, बच्चे कहीं कैसे खावे, तो मैडम जी जो रही ढंडराई बोलत यहाँ, कहा यहाँ कि अगर नमक से नहीं खाओगे तो खाओगे किससे,
तो बोला नमक हमें नहीं चाहिए, मैं नमक से नहीं खाऊंगा। वो थाली लेके गया, घर पे रख लिया। तो घर से दो एक लोग आए, वो बताए, तो वीडियो बन गया, वायरल हो गया। की है ना इसमें कमी मास्टर की है, इसमें कमी सिर्फ भंडारी की है। जब कुछ होगा नहीं तो बने क्या, जैसा वो बता रही है ना दाल। प्रधान भंडारी को बोलना चाहिए मास्टर साहब से कि ये सामान नहीं है, मंगवाए। वो अपने मन से करती है। मुझे संज्ञान में आया है, तत्काल हमने बीएसए को जांच के लिए दिया है। और तत्काल प्रथम दृष्टया जो मुझे वीडियो देख के लगा, इसके अनुसार मैंने तत्काल निलंबित करने का निर्देश दिया है। और प्रधानाध्यापक निलंबित होंगी और प्रधान जो है उनके खिलाफ नोटिस जाएगा। अच्छा, किसी से बताया कि नमक चावल मिला है? गाँव के लोग से बताए हैं। अच्छा, तो ये अक्सर मिलता है कि कभी कभी? कल अच्छा, तो नमक चावल अच्छा लगता है खाने में? हाँ अच्छा। पूछा नहीं नमक चावल क्यों मिल रहा है? मैम जो रोकत रही बनावा ना बोला हम मान तो दूध के रुक कमरा में है तो अच्छा लगा वाला घर। वो आए तो झट धरी गई चूल्हा में लकड़ी लगा दिए। अब चूल्हा बारी ना लकड़ी रख दे, गई चावल ले आए, चावल पछोरे लगे, चावल पछोरे लगे तो गई चूल्हा जला दिए। चावल नाप के धरे रही हम तो कही चारा चौरा धोवा तो धो के ले गए चौरा। और पानी अपने बल्टी करके चूल्हा के लगे रखे रही हैं तब कहीं कि अब ही ना धोयू अधन तनिक घी का दिया जल्दी जल्दी चूर जाए। तो जब चावल पर गया तो हम कहें है सुबह कि जाए देखे तेरी दुकान पर, हम अपना कहें कि जाए देखे दुकान पर अगर जो दाल हुए तो दाल ले आई सब्जी आई है पैसा देवे कर। हरदोई के बिलग्राम चुंगी में पुलिस की सख्ती के बावजूद दबंगई कम होने का नाम नहीं ले रही। दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ गुंडे एक युवक की बेल्ट और चप्पलों से पिटाई करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में एक युवक पिटाई के दौरान कुछ बोल रहा है, फिर युवक बेरहमी से पिटाई कर दे रहे। वायरल वीडियो बिलग्राम चुंगी का बताया जा रहा है। पुलिस के कई अभियान अपराध को बढ़ावा देने वाले वीडियो के नीचे दबते नजर आते हैं। हालांकि जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि पीड़ित युवक की तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई है। वायरल वीडियो की जाँच की जा रही है। चंदौली में स्वच्छ भारत मिशन अभियान को प्रभावी बनाने वाले अब तक मुखबिर के शिकार हुए हैं, जिसके बाद स्वच्छता ग्राहियों ने विकास भवन के पास एक दिवसीय धरना दिया। आपको बता दें कि नाराज स्वच्छता कर्मियों ने धरना देकर अफसरों पर भड़ास निकाली है। वेतन को मांग को लेकर मांग की है। वहीं डीएम के लोगों ने ज्ञापन देकर समस्याएं के बारे में जानकारी दी। स्वच्छता ग्राहियों ने विकास भवन के समीप दिए एक दिवसीय धरना और साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर डीएम कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी है। हम लोग स्वच्छताग्रही में काम कर रहे थे, हम लोग कितने दिनों से लगे हुए हैं, हम लोग को साल बीत गया, ये एक प्रधानी ख़त्म होने के बाद दूसरी प्रधानी शुरू हो गई, मगर ना अभी तक हम लोग को मानदेय पूरा मिला और ना तो हम लोग को कोई निश्चित काम देने के लिए बोले थे ना वो काम मिला। धरना स्थल पर आज एक दिवसीय बैठे हुए हैं हमारे जो भी माताएँ बहने हमारे साथ जो भी भाई बैठे हैं, हम लोगों की मांगें पूरी नहीं की जा रही है। 2017 से लेकर के आज तक हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, जनपद से लेकर के ब्लॉक तक हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोगों के साथ जो भी जिलाधिकारी महोदय हैं, DPRO महोदय हैं, ब्लॉक पर विकास खंड अधिकारी महोदय हैं, DO पंचायत हैं, BC हैं, हम लोगों के विभाग के कोई हम लोगों के ऊपर सुनवाई नहीं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग 2017 से कार्य कर रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों का एक कार्यक्रम था, जो इसमें हम लोग मिशन में हम लोग काम किए हैं। हम लोगों की प्रमुख मांगें यही हैं कि हम लोगों को नियमित कार्य और निश्चित वेतन दिया जाए। हमारा एक दिवसीय धरना है और हम लोग DM साहब से भी मिले हैं, अपनी समस्या को बताए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि चलिए इस पर हम बात करते हैं। अभी वो नया DM साहिबा हैं तो कहें ठीक है, हमको समय दीजिए। औरैया जिले में एक बार फिर दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां कुछ दिन से लापता नाबालिग का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ोसी के घर में भूसे के ढेर में दबा मिला। मृतक बच्चों के परिजनों ने पड़ोसियों पर ही आरोप लगाया कि किशोर को अगवा कर उसकी हत्या कर दी। चार दिन पूर्व रात में सोते समय घर से गायब हुआ था। किशोर के परिजनों ने काफी तलाश के बाद थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना की सूचना मिलते ही SP और एडिशन SP DPSP समेत गाँव में पहुंचे। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
खपून क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम निर्वाहा निवासी जयसिंह द्वारा अपने 19 वर्षीय बेटे जय कुमार की गुमसुदगी थाना खपून में दर्ज कराई थी, जिसकी जिसमें जो है कई टीमें तलाश के लिए लगी हुई थी। पुनः 29 तारीख को रात में पुनः जो है वादी द्वारा जयसिंह द्वारा सूचना दी गई कि हमारे बेटे की डेड बॉडी मथुरा प्रसाद के जो विषय का भंडार है उसे के उसी में डेड बॉडी प्राप्त हुई। इसकी सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और उच्च अधिकारी को भी पहुंचे और फॉरेंसिक टीम भी पहुंची, जिसमें निकलवाया गया डेड बॉडी को और उसका पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए पीएम के लिए भिजवाया गया है और पीएम जो है सुसंगत जो पैनल के माध्यम से पोस्टमार्टम कराने के लिए रिपोर्ट दी गई है। बुलंदशहर में शरीफपुर भैंसरोली गांव के प्राइमरी स्कूल में बच्चों से झाड़ू लगवाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में प्राइमरी स्कूल के छोटे छोटे बच्चे अध्यापकों के कहने पर झाड़ू लगा रहे हैं। जिस हाथ में पेंसिल पेन होना चाहिए था, अध्यापकों ने उस हाथ में झाड़ू थमा दिया है। रायबरेली के दरियावगंज के पास अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार पति पत्नी और पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंचे एम्बुलेंस ने सभी को इलाज के लिए सीएससी भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दो लोग को जिला अस्पताल रायबरेली भेज दिया गया और एक जो महिला है वो ठीक है। क्या नाम है सर घायलों का? घायलों का नाम है मनोज कुमार जो कि 38 साल का है, सोनी 26 साल की और शिवानी 9 साल की, जिसमें से मनोज और सोनी इनको रिफर कर दिया गया है। पहाड़ी मऊ घर पड़ता है क्या? हाँ। तो काहे से थी आप? दिपहिया गाड़ी से आई थी, रहन चल रही थी। कौन सी गाड़ी थी जिससे एक्सीडेंट हुआ? कार रही। चल रही है। कौन कौन घायल हुए? तीन लोग। क्या नाम है घायलों? मनोज कुमार। पिता का नाम? खबर सुल्तानपुर से है, जहां नवरात्र के दिनों में लोहरामऊ स्थित माता रानी का भव्य दरबार सजाया जाता है। वहीं स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने बताया कि माता रानी की कृपा से नवरात्र के मौके पर सड़कों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। साथ ही मंदिर के पुजारी ने बताया कि करीब 200 साल पुराने मंदिर में माता रानी पिंडी के रूप में अपना दर्शन दिया। वहीं ऐसी मान्यता है कि जो श्रद्धालु यहाँ आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। धर्मदासपुर लोहरामऊ के नाम से विख्यात है, यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। दो नवरात्रि पड़ते हैं वर्ष में, एक शारदीय दूसरा वासंती, और बीच में एक सावन का महीना आता है। सावन के महीने में पंचमी से लेकर के पूर्णमासी तक जो भी शुक्रवार सोमवार पड़ता है उसमें माता जी का मेला लगता है और माता जी यहाँ स्वयं से प्रकट हैं। इसलिए ये मान्यता है कि जो लोग भी आकर के यहाँ अपनी मनोती मानते हैं, पूजा अर्चन करते हैं, उनकी मनोती अवश्य पूर्ण होती है। बाहुल तिवारी है, मैं सुनारा गांव का रहने वाला हूँ, मोतीगंज बाज़ार पड़ती है। वहाँ से हम लोग यहाँ हर साल बहुत दर्शन करने के लिए आते हैं। माता रानी की ऐसी कृपा रहती है, यहाँ चाहे कुछ भी आपकी मनोकामना हो, अगर आप हृदय में सोच ले रहे हैं अपने, तो माता रानी यहाँ हमेशा पूरा करती है। लोहरामऊ माता का प्रकरण जो है, माता जी स्वयं प्रकट हुई हैं और इनका 500 वर्ष से जो है इनकी पूजा हो रही, 500 वर्ष से, और माता जी दुर्गा जी के नाम से प्रसिद्ध हैं और माता जी के यहाँ कढ़ाई चढ़ती है और चुनरियाँ चढ़ाते हैं लोग, आस्था से आते हैं लोग, अपना मन्नत मांगते हैं, उनकी सबकी मन्नतें पूरी होती हैं। और जब जब माता जी सावन में मेला लगता है, नवरात्र में 9 दिन अष्टमी नवमी को लोग कन्या खिलाते हैं। खबर बुलंदशहर से है, जहां कामा ट्रांसपोर्टर सॉल्यूशन कंपनी में हुई लाखों रुपए की चोरी की वारदात पर पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ट्रांसपोर्ट के मैनेजर ने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। साथ ही पुलिस ने आरोपियों से 28 LED बरामद कर मैनेजर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। वाली देहात क्षेत्र में एक गोडाउन था जिसमें कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स स्टोर किए गए थे, इसमें चोरी हुई थी और जिसमें कि वहाँ पे स्टोर्ड
बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम गायब हुआ था। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर जब विवेचना की गई तो आज उसी क्रम में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से चोरी किए गए कुल 24 LED TV, एक साउंडर और एक छोटी गाड़ी जिसमें कि ये चोरी का सामान लेके गए थे, और एक और गाड़ी छोटी जिसमें कि इस सामान को लोड किया गया था। कुल दो गाड़ियां इनके पास से बरामद की गई हैं। खबर अयोध्या से है, जहां मोतीगंज बाजार में नवरात्र के त्यौहार में मुस्लिम समुदाय बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं श्री नव दुर्गा पूजा समिति के महामंत्री मोहम्मद तौफीक ने बताया कि पिछले 17 वर्षों से मां दुर्गा की सेवा करते आ रहे हैं और माता जी ने मुझे अवसर दिया, ये मेरा सौभाग्य है। रमेश पांडे द्वारा 2005 में फर्स्ट स्थापना इसकी हुई थी, उनके साथ में ये मामा जी जो है सेकंड ऑप्शन में जुड़े थे, जो महामंत्री के पद पे हैं। यही दो व्यक्ति हैं जो 2005 से 2012 तक जो है इस कार्यक्रम को निरंतर चला रहे थे, और यहाँ की जनता, यहाँ के गांव के सारे समाज के लोग, इसमें जात या अलग किसी जात का कोई भेदभाव नहीं है। ये चालू है 2005 से और इसकी स्थापना हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र पांडे जी ने किया था। उसके बाद जो है मैं जुड़ा और तब से जो है मैं कर रहा हूँ, और रमेश पांडे जी अध्यक्ष हैं, मैं मोहम्मद तौफीक और महामंत्री हूँ, और आदरणीय अंबिका प्रसाद पांडे जी प्रबंधक हैं। इसका जो है सुबह शाम जो है आरती वगैरह होती है यहाँ सुबह शाम, इसका जो है रात में जो है रामलीला चलती है। खबर बलरामपुर से है, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और समाज कल्याण मंत्री असीम अरुड़ MLKPG कॉलेज पहुंचे। वहीं बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही राज्यपाल ने सावित्री देवी बायो एनर्जी फार्मर प्रोडक्ट कंपनी का उद्घाटन कर किसानों को प्रमाण पत्र वितरित किए और थारू जनजाति समाज के लोगों को वन पत्र वितरित किया। बता दें कि राज्यपाल ने जिलाधिकारी को मॉडल आवास देकर उन्हें सम्मानित भी किया। खेती करने की शुरुआत करोगे तो शायद 5 किलो गेहूँ या तो 20 किलो गेहूँ कम होगा, तो मन में ये होता है कि भाई ऑर्गेनिक करते हैं तो उत्पाद कम हो जाता है, लेकिन हमें इस अवसर में ये भी देखना पड़ेगा कि जब आप ऑर्गेनिक नहीं करते थे तब कितनी दवाई का छिड़काव करते थे, कितनी बार पानी देते थे। खबर गोंडा से है, जहां SDM हीरालाल के नेतृत्व में मत्स्य कल्याण समिति ने तालाबों की सफाई कराकर उसमें मछली छोड़ने का काम पूरा किया। बता दें कि भारत सरकार तालाबों की जलस्तर और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाते नजर आ रही है, जिसके चलते UP पहले स्थान, मध्य प्रदेश दूसरे और जम्मू कश्मीर तीसरे पायदान पर है। उत्तर प्रदेश शासन ने 1981-82 में तालाबों की प्रबंधन का कार्य मत्स्य विभाग से निगम को सौंप दिया था, तो वहीं इसके सार्थक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। खबर गोरखपुर से है, जहां मां भगवती विकास संस्थान ने महिला अस्पताल के बाहर नेकी पालना का शुभारंभ करते हुए बताया कि ऐसे बच्चे जिन्हें उनकी मां लोग लज्जा के चलते उन्हें छोड़ देती हैं, वहीं पालने में एक मोशन सेंसर लगा है, जिसमें कभी नवजात को रखने के 2 मिनट बाद महिला अस्पताल के इमरजेंसी में लगा अलार्म बज उठेगा। साथ ही वहाँ काम करने वाले डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी को नवजात के बारे में सूचना मिल जाएगी, जिसके बाद नवजात का स्वास्थ्य परीक्षण कर जरूरत के हिसाब से उसका उपचार करा सके। उसे स्वस्थ होने पर नजदीकी राजकीय शिशु गृह भेज में दिया जाएगा। साथ ही CMO ने जिला अस्पताल में पूजा अर्चना कर इस कार्यक्रम को मंजूरी दी है। किस उसमें लेते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन एक तरह से ये बहुत ही बड़ा एक अवसर है, जहाँ पर जो है हम समाज के उन बच्चों को स्थान और उन बच्चों का पालन पोषण का वादा कर रहे हैं, जो कि मानवीय
गलतियों की वजह से हैं जो हम लोग जो है किसी तरीके से जो है उन बच्चों को छोड़ देते हैं, जो बच्चे इनकी कोई गलती नहीं होती है। खबर हरदोई से है, जहां बालामऊ के ग्राम पंचायत भवन में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने शराब पीकर अराजकता फैलाने का प्रयास किया। वहीं इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन को लेकर जनपद पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा है। साथ ही जिम्मेदार अधिकारी और प्रधान सचिव सभी इस मामले पर मौन है और पुलिस ने भी कोई कार्यवाही नहीं की है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।